अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज। दोस्तों इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर से अपने घर के या किसी चीज के वोल्टेज किस तरह मालूम करने हैं। दोस्तों इसके लिए हम एक कैसे थे डिजिटल मीटर है, इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इससे हमने वोल्टेज मालूम करने है। और सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये काम किस तरह करता है। तो दोस्तों इसके सबसे पहले इसमें ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके साथ हमें और क्या क्या चीज इस्तेमाल करनी है जिससे हम वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों ये हमारे एक इलेक्ट्रिक रूम है जिससे हमारे पावर इधर उधर हम तकसीम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके साथ ये कुछ हमें इसकी ग्रिड्स दी गई हैं, एक न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होती है ब्लैक कलर की, और जो हमारा रेड कलर है ये हमारी फेस के लिए इस्तेमाल होती है जिसको हम लाइन कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गए। इसके बाद हमारे ये मीटर है, मल्टीमीटर या इसको क्लैंप मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं इसके ऊपर एक ये स्क्रीन आप दी गई है, इसमें एक ऑफ का ऑप्शन है, इसके बाद एसी में पे है डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज ओम और बस कनेक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। दोस्तों इसके साथ में पिक्चर भी शो कर दूंगा जरा जूम करके ताकि आपको पता चल जाए। इसके अलावा ये इसकी एक नाब है जिसके थ्रू आप इसको इस केबल के साथ लगाएंगे तो आप इसके एम्पीयर चेक कर सकते हैं। आज दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ हमने आपको सिंगल फेज और थ्री फेज वोल्टेज टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा। उसके अलावा जिस वक्त आप इसकी वोल्टेज टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपने एक वैल्यू जो है उसको होल्ड करना है, तो ये होल्ड का बटन दिया गया, इसको प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यू होल्ड हो जाएगी। तो दोस्तों आपने डीसी वोल्टेज चेक करना है, इसके लिए आप इसकी नाब को घुमाएंगे और डीसी वोल्टेज का जहां पे मैं निशान दिया गया उसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ये ब्लैक केबल पकड़नी है, जो लीड है इसकी ये कॉमन पॉइंट में लगा देनी है, और जो फेस की वायर है ये आपने वोल्टेज को जो हमारी ये वाला पॉइंट इस बीच में लगा देनी है। दोस्तों दोनों वायरें हमारी लग चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इसको आपने ये फेज वाली पॉइंट पे लगानी है और ये न्यूट्रल वाले पॉइंट पे लगानी है। चलिए हम देख लेते हैं कि हमें ये किस तरह करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका जो है दरवाजा ओपन करता हूँ अपने पैनल का, और आप देख लेंगे किस तरह हमें इसको टेस्ट करना है। ये हमने इसका दरवाजा ओपन कर दिया है, ये हमारे पास कुछ ब्रेकर लगी हुई है, इसी के ऊपर हम जो है अपने वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये आपने ब्रेकर देख रहे हैं, इसमें थ्री फेज सप्लाई के लिए ब्रेकर लगाए गए हैं। इसमें ये तीन फेज आ रहे हैं जिसमें ये रेड है येलो ब्लू, ये तीन फेज है हमारे, और इसके साथ हमें एक न्यूट्रल दी गई है जो बैक साइड पे है हमारी, वो आप मैं अभी नहीं दिखा सकता, उसकी बस बार एक हमने लगाई है जिसके ऊपर सारी हमारे न्यूट्रल जो है वो टर्मिनेट हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम थ्री फेज जो है वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों थ्री फेज वोल्टेज चेक करने का तरीका यह है कि आपने दो फेज के ऊपर इसको लगाना है, इसकी जो नाब है इसकी ब्लेड दी गई है, किस तरह लगाना है हम देख लेते हैं। दोस्तों आपको साइड पे मेरा ये मीटर भी नजर आ रहा है, तो सबसे पहले ये देख रहे हैं ये हमारा रेड और ये येलो हमारा फेज है, इसके ऊपर हम अपनी लीड लगाएंगे। तो दोस्तों आप देखें ये हमने एक जो रेड के ऊपर एक लीड हमने लगा दी है और दूसरी हमने येलो पे लगा दी है, ये दोनों पे लगाएंगे तो आपको इसकी जो है रीडिंग नजर आ रही होगी। इस वक्त हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो हमारे पास है पूरे 400 वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, रेड और येलो पे। इस तरह अब रेड और ब्लू का हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पास फिर एक न्यू रीडिंग आ रही है 401 है, और इसके अलावा दो हमारे जो है फेज हमारे टेस्ट हो गए हैं। इसके अलावा येलो और ब्लू हमने टेस्ट करने हैं। तो दोस्तों ये हम थ्री फेज के वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त इसको हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज आएंगे वो आ रहे हैं हमारे पास 400, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि थ्री फेज वोल्टेज हम किस तरह टेस्ट करते हैं। अब हमने करने हैं सिंगल फेज वोल्टेज टेस्ट। तो दोस्तों सिंगल फेज वोल्टेज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बस बार दिखाता हूं, उसके बाद जाके हम सिंगल फेज वोल्टेज टेस्ट करेंगे। सिंगल फेज वोल्टेज किस तरह टेस्ट करने हैं ये जानने के लिए दो मिनट में वीडियो पास कर रहा हूं ताकि आपको पहले बस बार दिखा सकूं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं हमारे पास जो ब्रेकर लगी हुई है, इसके साथ एक मेन ब्रेकर के लिए हमारी मेन केबल आ रही है, ये आपको नजर आ रही है। इसके पीछे आपको एक बस बार नजर आ रही है जो नीचे साइड पर जिसके ऊपर ग्रीन कलर की केबलें लगी हुई हैं, ये हमारी अर्थ की है बस बार। इसके ऊपर एक और बस बार लगी हुई है, ये वाली ये हमारी न्यूट्रल की बस बार है, इसमें सारी हमारी ब्लैक केबलें टर्मिनेट हो रही हैं। तो दोस्तों एक केबल हमने सिंगल फेज वोल्टेज जो हमने टेस्ट करना है, जो ब्लैक हमारी केबल है मीटर की वो हमने इसके ऊपर लगानी है, और जो दूसरी केबल है अपने फेज किसी ब्रेकर या इस मेन के साथ हम लगा लेंगे।
तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने किस तरह जो है इसको सिंगल फेज वोल्टेज टेस्ट करने हैं। तो दोस्तों अब हम सिंगल फेज वोल्टेज की टेस्टिंग करने लगे हैं। सिंगल फेज वोल्टेज की टेस्टिंग करने के लिए जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि ये जो केबल है इसकी मीटर की ब्लैक केबल या मीटर पे लगाएंगे और जो रेड केबल है यहाँ फेज पे लगाएंगे। आप घर में छोटी डीपी लगी हुई उसमें बस बार नहीं होगी, आपके पास एक छोटी सी केबल लगी होगी जिसके ऊपर आप न्यूट्रल के ऊपर न्यूट्रल लगा लें या फेज के ऊपर फेज लगा दें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल के ऊपर हम अपनी ये जो है ब्लैक केबल लगाते हैं, ये जो बस बार है ये हमने न्यूट्रल के ऊपर लगा दी और इसके बाद हमारे पास आता है फेज। तो यहाँ पे आप किसी फेज एक के साथ लगा दें, घर में तो एक ही फेज आ रहा होता है और ये नहीं पता होता कि रेड है ब्लू है येलो है। तो आप अगर थ्री फेज के में अगर करने लगे हैं तो आप सिंगल सिंगल करके आप सबको टेस्ट करने किस तरह करने हैं। न्यूट्रल के ऊपर हमारी न्यूट्रल लग गई है और ये फेज के लिए हमने ये लगा दी है, ठीक है। आपको साथ रीडिंग भी शो हो रही होगी, ये हमारी रेड की रीडिंग है, इसके अलावा ये हमारी येलो की रीडिंग है और ये हमारी ब्लू की, ये सारी सिंगल फेज की रीडिंग थी, ठीक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ पता चलेगा होगा कि आपने सिंगल फेज वोल्टेज और थ्री फेज वोल्टेज किस तरह टेस्ट करने हैं। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमने इसी मीटर के थ्रू जो एम्पेयर है अपने घर पर लोड जो एम्पेयर में हम किस तरह इसी मीटर के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें, बेल के आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।